नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और सत्ता संग्राम में आपका स्वागत करती हूं राजनीतिक विशेषक अनिल लोढ़ा जी के साथ। 6 मई को राजस्थान में दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें 12 सीटों के लिए मतदान होगा। उसी में से एक सीट अभी हम बात कर रहे हैं बीकानेर की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के विवादित जमीन खरीद मामले को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीकानेर के चुनावी समर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का सामना उनके मौसेरे भाई मदन गोपाल मेघवाल से हो रहा है। साइकिल से संसद जाने वाले अर्जुन राम आईएएस रहे हैं तो उनके मौसेरे भाई पूर्व आईपीएस हैं। राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट 2009 में परिसीमन के बाद से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से बीकानेर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। अनिल जी, इस बार चौथी बार क्या भाजपा फिर बाजी मारेगी या कांग्रेस टक्कर में है? भाजपा तो चुनाव लड़ ही नहीं रही है, चुनाव तो मोदी जी लड़ रहे हैं जी। कहते हैं कमल पे वोट बटन दबाओगे और मोदी को वोट जाएगा जी। यही अर्जुन राम मेघवाल की सफलता का कोई अगर आधार है, ये एकमात्र आधार है कि मोदी चुनाव लड़ रहा है। अगर अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं, पर्दे के आगे वो हैं मंच पर वोट मांगने के लिए, तो शायद बहुत भारी चुनाव है उनके लिए। पर अगर वोट मोदी के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए चुनाव आसान हो रहा है। इस सीट की 2-3-4 खास बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आज बता दी जाए। एक तो शुरू में जब लोकतंत्र शुरू हुआ भारत में और चुनाव शुरू हुए तो कई जगह डबल सीट होती थी, यानी एक लोकसभा क्षेत्र में आदमी 2 वोट देता था, एक एससी के लिए और एक जनरल के लिए। बहुत लोगों, नई पीढ़ी को बिल्कुल पता नहीं होगा, अंदाजा भी नहीं होगा, पुरानी पीढ़ी के बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को कि 52 में कई जगह डबल सीट होती थी और हर आदमी 2 वोट देता था, एक एससी का प्रतिनिधि चुनता था, एक जनरल कास्ट का प्रतिनिधि चुनता था। बीकानेर वो सीट थी, यहाँ पे भी दो दो वोट पड़ते दो वोट पड़ते थे। तो 4 बार लगातार जनरल सीट पर करणी सिंह, महाराजा करणी सिंह, दुनिया के माने हुए निशानेबाज और राइफल शूटिंग के बहुत बड़े धुरंधर खिलाड़ी, पूरी दुनिया में नाम था महाराजा करणी सिंह का, और वो 4 बार लगातार निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीते। यहाँ पर इतना जबरदस्त राज परिवार का प्रभाव था। लेकिन जो सेकंड सीट थी, पन्नालाल बारूपाल वहां से जीतते थे, तो वो सेकंड सीट पर पन्नालाल बारूपाल जीते और उसके बाद फिर महाराजा करणी सिंह होते होते 4 बार जब महाराजा करणी सिंह हुए, सेकंड डबल सीट खत्म हो गई, सिंगल सीट रह गई, रिजर्वेशन हो गया कई सीटों का, गंगानगर रिजर्व कर दी गई पूरी तरह एससी के लिए। शुरू से लेकर आज तक गंगानगर एससी के लिए रिजर्व है, वहाँ जनरल कास्ट का व्यक्ति सांसद बन ही नहीं पाया आज तक, लोकतंत्र शुरू होने से लेकर अब तक, चुनावों से लेकर शुरू हुए जब से। तो सीट 2 हो गई, गंगानगर अलग हो गई, गंगानगर एससी के लिए हो गई, ये जनरल हो गई, तो भी महाराजा करणी सिंह जीतते रहे जी। इसके बाद 77 में पहली बार राज परिवार से बाहर निकली सीट, क्योंकि जनता लहर थी पूरे देश में, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, भारतीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर हलदर किसान पर चुनाव लड़ा था सब लोगों ने, जिन्होंने जनता पार्टी के नाम से चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी तब रिकॉग्नाइज नहीं थी, चुनाव चिन्ह नहीं था, तो हलदर किसान भारतीय लोकदल का था और उसी के चिन्ह पर हरिराम मक्कासर ने चुनाव लड़ा। हरिराम मक्कासर जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बने बीएलडी के चुनाव चिन्ह पर, लेकिन उसके बाद 80 आते ही फिर कांग्रेस जीत गई और उनको मनफूल सिंह भादू ने हराया। कांग्रेस के मनफूल सिंह भादू, वो भी बड़ा नाम था उस जमाने में, उस इलाके के दिग्गज जाट नेता कहते, तब ये सीट फिर जाट सीट की तरह हो गई बीकानेर की। बीकानेर जी जनरल सीट रही लेकिन जाट सीट हो गई एक तरह से, हरिराम मक्कासर के बाद जी। फिर मनफूल सिंह भादू जीते, फिर उसके बाद में एक बार बलराम जाखड़ जीते, शोपत सिंह मक्कासर जीते जो हरिराम मक्कासर के बेटे, मेरे ख्याल राजस्थान में मुझे लगता याद नहीं पड़ता कोई और दूसरी सीट रही होगी जहां सीपीएम जीती, सीपीएम जी। का सांसद राजस्थान में एक बार बना बीकानेर की सीट से, शोपत सिंह मक्कासर जो हरिराम मक्कासर के बेटे थे जी। हरिराम मक्कासर जनता पार्टी की सरकार पे, जनता पार्टी की चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े थे, जनता पार्टी के रजिम में 77 में उनके बेटे ने
सीपीएम के टिकट पर चुनाव लड़ा और वो सीपीएम के लिए इस सीट को जीत के ले गए। वो बेसिकली पिता की राजनीतिक विरासत, जाट और कुछ सीपीएम का काम था गंगानगर के इलाके में काफी जी। उसका उनको फायदा मिला और वो इसको जीत के ले गए। लेकिन इसके बाद में शोपर सिंह मक्कासर के बाद फिर मनफूल सिंह बहादुर फिर आ गए एक बार कांग्रेस के, और इसके बाद में एक बार महेंद्र सिंह भाटी जो देवी सिंह भाटी के पुत्र थे, देवी सिंह भाटी जो कोलायत से एमएलए कई बार चुने गए, बीजेपी सरकार में जनता सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, बड़े दिग्गज हैं वहाँ की राजनीति के, उनके बेटे महेंद्र सिंह भाटी जिनका बाद में एक दुर्घटना में निधन हो गया, सांसद बने, बहुत नौजवान शायद 26-27 साल के रहे होंगे उस जब वो सांसद बने। उसके बाद बलराम जाखड़ ने चुनाव लड़ा और बलराम जाखड़ कल भी हमने जिक्र किया सीकर से भी चुने गए थे, उससे पहले बीकानेर से उन्होंने चुनाव लड़ा, पंजाब के थे, अबोहर से चुनाव लड़ते थे पहले, फिर यहाँ आ गए तो यहाँ से बीकानेर चुनाव लड़के संसद में गए और लोकसभा के अध्यक्ष बने। बलराम जाखड़ ने वहाँ पर चुनाव लड़ा और उन्होंने महेंद्र सिंह भाटी को हराया बलराम जाखड़ ने। इसके बाद बलराम जाखड़ सीकर चले गए तो रामेश्वर डूडी जो प्रतिपक्षी नेता थे, पिछली बार अभी नोखा से विधानसभा चुनाव हार गए, उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता यहाँ से। यानी यहाँ से बलराम जाखड़ भी सांसद रह लिए, शोपर सिंह मक्कासर भी रह लिए, करनी सिंह भी रह लिए, हरिराम मक्कासर भी रह लिए और बलराम जाखड़ भी रह लिए, महेंद्र सिंह भाटी रह लिए और साथ में रामेश्वर डूडी भी रह लिए। रामेश्वर डूडी नोखा से एमएलए थे पहले, अभी हार गए विधानसभा चुनाव, तो जाट सीट एक तरह से ये एस्टेब्लिश हो गई। इसके बाद में इनको मात देने के लिए बीजेपी फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को लेके आई और धर्मेंद्र ने आज चुनाव लड़ा। धर्मेंद्र भी जाट, पंजाबी के जाट, वो पंजाबी हैं और जाट हैं, बड़ा क्रेज था और जबरदस्त तरीके से धर्मेंद्र जीत कर आए चुनाव। चुनाव जीतने के बाद वो 5 साल कभी भी बीकानेर नहीं गए, बीकानेर का रुख ही नहीं किया धर्मेंद्र ने। अब उनकी पत्नी हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही है मथुरा से बीजेपी टिकट पे, बेटे लड़ रहे हैं उनके सनी देओल, वो अलग बातें हैं सब, सादुलपुर से, लेकिन हाँ वो वहां से लड़ रहे हैं पंजाब में गुरदासपुर से जी, गुरदासपुर से। लेकिन ये धर्मेंद्र ने तो दर्शन ही नहीं किया वापस बीकानेर के, एक बार चुनाव लड़ लिया और जीत के चले गए। तो धर्मेंद्र के जाने के बाद अगली बार उनको टिकट नहीं दिया, तब सीट हो गई रिजर्व डिलिमिटेशन के बाद। अर्जुन राम मेघवाल जो चुरू के कलेक्टर हुआ करते थे, प्रमोटी आईएएस है, वो वहाँ से उनको टिकट दिया बीजेपी ने। अर्जुन राम मेघवाल एससी की सीट होने पर, शुल्क कास्ट की सीट होने पर पहली बार जीते जी। अर्जुन राम मेघवाल ही दूसरी बार जीते, दो बार से अर्जुन राम मेघवाल वहाँ पर सांसद है बीजेपी टिकट पर और भी केंद्र में मंत्री है। अब तीसरी बार फिर मैदान में, और तीसरी बार फिर मैदान में है जी। इस बार आपको उनका क्या धरातल उनके लग रहा है? बहुत क्लोज क्लोज रिलेटिव जी मदन मेघवाल को, वो शायद आईपीएस रहे हैं, रिटायरमेंट रिटायरमेंट लेके उन्होंने वीआरएस लेके विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते, लड़ नहीं पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको टिकट मिला जी। और वो अपने ही करीबी रिश्तेदार के आमने सामने हैं दोनों जी। इसमें परिवर्तन ये आया है, एक तो बीकानेर की प्रॉपर सीट पर एक सीट, दो सीट है शहर की, उसमें एक पे बीडी कल्ला इस वक्त राज्य में मंत्री हैं, बहुत प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री हैं, जल संसाधन भी उनके पास में है, बिजली भी उनके पास में, वो एमएलए भी हैं और वो मंत्री भी हैं बीकानेर शहर की, दो सीट में से एक सीट। दूसरा देवी सिंह भाटी की जो सीट थी कोलायत, देवी सिंह भाटी ने बगावत कर दी बीजेपी से अर्जुन मेघवाल टिकट जाने के खिलाफ, और वो खुलकर विरोध कर रहे हैं अर्जुन मेघवाल का पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमकर, ये नहीं कि सिर्फ कंफाइंड टू कोलायत है, ऐसा नहीं है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमकर कर रहे हैं। और उनका मुद्दा पहले ये था, उनका मुद्दा ये था कि जब भी विधानसभा चुनाव होता, मेघवाल समुदाय के वोट, उनके बूथों पर वोट देवी सिंह भाटी को नहीं मिलते जी। पर लोकसभा चुनाव होते वो सारे वोट अर्जुन राम मेघवाल को मिल जाते, तो उनका मानना था कि ये क्या वोट हुआ जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस साथ है, वो इसके लिए अर्जुन मेघवाल को ही दोषी ठहराते हैं, जिम्मेदार मानते हैं, और इसीलिए उन्होंने खुलकर विरोध किया। और वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में इस वक्त अर्जुन मेघवाल का ये विरोध अर्जुन मेघवाल को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। भंवर सिंह भाटी
इस वक्त कांग्रेस से एमएलए भी हैं और मंत्री भी हैं राज्य सरकार में, कोलायत की विधायक, और कोलायत में ही देवी सिंह भाटी, वो भी खिलाफ बीजेपी के थे जो। तो कुल मिला के इस समय जो अर्जुन मेघवाल हैं, चाहे वो पार्टी की तरफ से वहां पे भी घिरे हुए हैं और अपने उसे भी जो रिश्तेदारी से उनके जो सामने जी। उनके मौसेरे भाई हैं जो उनके सामने हैं। हाँ, लेकिन कोई भाई बंदी के हिसाब से कोई रिश्तेदार इतने वोट नहीं है कि इधर से इधर हो जाए रिश्तेदार, ऐसा नहीं है। लेकिन अर्जुन मेघवाल को एक एपिसोड 2 अप्रैल को जो देश बंद हुआ था, भारत बंद हुआ था जी, और उनके एक परिवारजन की उसमें भूमिका थी, देखी गई। इस बात को लेकर देवी सिंह भाटी ने मुद्दा बनाया कि समाज को बांटने के काम में या समाज को राजनीतिक हित के लिए बांटने के काम में अर्जुन मेघवाल का परिवार शामिल है जी। और अदर कास्ट को उन्होंने ये आह्वान किया कि ऐसी गतिविधि को राजनेता अगर कोई करे या राजनेता का परिवार करे तो हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। तो अदर कास्ट को वो यूनाइट करने में लगे हुए हैं इस बात के खिलाफ। 2 अप्रैल के भारत बंद को लेकर भी एक मुद्दा उन्होंने बनाया हुआ है। अर्जुन मेघवाल बहुत मीठे व्यक्ति हैं, मीठा बोलते हैं, सबको गुड़ देते हैं, गुड़ जैसी बात करते हैं, काम कितना करते हैं मैं नहीं जानता। हाँ, उन्होंने सांसद केंद्र खोल रखा था, लोग आते थे, मैंने देखा, खुद ने भी चिट्ठियाँ लिखते थे, रिकमेंड करते थे, सब करते थे, मैंने देखा है, सक्रियता देखी उनकी। लेकिन उनकी अपनी पार्टी के वर्तमान जो विधायक हैं सिद्धि कुमारी, उनसे इत्तेफाक नहीं रखती हैं। जो बिहारी लाल विश्नोई है, नोखा से विधायक जी, उनको वो टिकट दिलाने का विरोध कर रहे थे। सुमित गोदारा के भी साथ नहीं थे, लूनकर्ण से जो विधायक हैं, तो ऐसे विश्वनाथ मेघवाल भी शायद उनके साथ नहीं है। तो ऐसा लगता है कि वो अपनी पार्टी के अंदर भी घिरे हुए हैं और जो पार्टी छोड़ के बाहर चले गए देवी सिंह भाटी, उनसे तो आक्रमण हो ही रहा है जी। तो अपनी पार्टी के भीतर भी ऐसा मतैक्य नहीं है कि बिल्कुल हो जाए, लेकिन चूंकि वोट मोदी के नाम पर पड़ रहा है, मोदी वहां सभा कर रहे हैं, मोदी वोट मांगने आ रहे हैं, तो उसके बाद में मोदी की मौजूदगी, मोदी का वोट मांगना कवच का काम करेगा उनके लिए, ऐसा मुझे लगता है। तो कुल मिला के जो उनके प्रति नाराजगी है वो कांग्रेस को फायदा थोड़ा बहुत पहुंचा सकती थी, लेकिन जो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है वो शायद कहीं कुछ असर उसका रह नहीं जाएगा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें जाट वोट किधर जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाट वोट मुझे लगता है कि कोई मोदी लहर में बह रहा है, नौजवानों को छोड़ दें जी, जो ट्रेडिशनल जाट वोट है वो कांग्रेस साथ है, ऐसा लगता है मेरे को। रामेश्वर डूडी का वोट जी, प्लस बनिए ब्राह्मण वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर जो बीडी कल्ला की फॉलोइंग है और जैन समाज से भी खड़े होते हैं, माणकचंद सुराणा निर्दलीय तक जीत कर आ गए, समाजवादी पार्टी जीत के आ गए, समाजवादी लूनकर्ण से भी पहले विधायक थे निर्दलीय, तो वहां पर 13पन समाज का बड़ा भारी गढ़ है वो बीकानेर। तो राजपूत, जाट, ब्राह्मण और जैन, खासतौर पर 13पन के समाज के लोग, ओसवाल, ये भी बहुत मायने रखते हैं, जाति दृष्टि सोचने वाले लोग हैं कई बार, और इनकी जाति का होता है जब तो सोचते हैं, अब दोनों तरफ से एससी है, दोनों तरफ से मेघवाल है, तो अब अभी ये कहना मुश्किल है कि सारे ही मोदी की लहर में बह गए, ऐसा कहा नहीं जाता। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, अर्जुन मेघवाल को जो सहारा है, उन्हें जो कवच मिला हुआ है सारे आक्रमणों से रक्षा के लिए, वो मोदी का मिला हुआ है। मोदी का वोट मांगना अर्जुन मेघवाल के लिए उनके आगे बढ़ने की, जीतने की राह खोल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं।